एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये सिविल लाइन का इलाका है और ये पोलिंग बूथ है वार्ड नंबर 73 का, और एक साथ जो मोहल्ले की महिलाएं हैं वो एक साथ यहाँ वोट डालने पहुंची हैं। सभी दोस्त हैं और एक ही मोहल्ले में रहती हैं, और यही वजह है कि सब साथ वोट डालने आई हैं। और सबसे बुजुर्ग महिला भी हैं। अम्मा क्या क्या उम्र है आपकी? उम्र इसमें लिखी है, आप देख लीजिए, मुझे अच्छा 82 है। अच्छा 82 साल की हैं आप। आप सुबह सुबह वोट डालने आ गई हैं, क्या मुद्दे रहा, क्या सोच कर आए हैं आप? वोट देना जरूरी है, खराब तो करना नहीं है। हाँ। फिर भीड़ भाड़ हो जाती है, इसलिए हमने डाल लाते हैं सवेरे सवेरे। अच्छा थोड़ा सर्द है इसलिए लोग शायद कम निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि आपको देखकर एक मिसाल है कि इतने इतने ज्यादा उम्र के लोग निकल रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को क्या कहेंगे, खासकर युवाओं को क्या कहेंगे? आलसी लोग हैं, सुबह से उठ रहे नहीं है, उनको उठना चाहिए ना, वो तो नौजवान है, उनको पहले उठ के वोट डालना चाहिए। हम तो बुजुर्ग है, हम तो बाद में भी आ जाते तो हमारा चल जाता, मगर हमने सोचा नहीं, जब हम उठते हैं सुबह 4 बजे भगवान की पूजा करते हैं तो यहाँ वोट डालना भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपना वोट डालें, हम अपना वोट क्यों वेस्ट करेंगे। अच्छा तो सुबह सुबह उठकर आप लोग सीधे वोट डालने आ गए? नहाए, नहा के पूजा करने जा रहे थे, बोलने लगे भी चलो अभी तो काफी लोग हैं, हमें बहू है बेटा अभी सब आएंगे, सारे आएंगे, नहा रहे हैं वो लोग अभी, मतलब 60-70 घर है, पूरी कॉलोनी है, सब आएंगे। क्या क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार, क्या सोच कर वोट करे, कुछ तो सोचा होगा? सोचा यही है की वोट नहीं खराब जाना चाहिए, बस देखो वोट नहीं खराब, वोट नहीं जाना, लेकिन मुद्दे तो होंगे कुछ गलियों के, गलियों का ये कि सफाई है, इसी है बस ये। अच्छा। एक तो अब क्या बोले महंगाई के लिए तो कुछ महंगाई भी मुद्दा है, और कुछ महिलाएं हैं। आप लोग सुबह सुबह पहुंच गए, एक साथ पहुंच गए हैं कि कॉलोनी से आए हुए, क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं आप लोग? वोट तो मैं दे नहीं था, बाद में दे, जब हमने सुबह सुबह चलते हैं खाली होगा, हमने एक इनको बोला, साथ में बोला, सबको बोला इकट्ठे आए, वोट खराब कर रहे नहीं, वोट देना जरूरी है। अच्छा मुद्दे क्या है आप, किन मुद्दों को, क्या मुद्दे सोचकर आप वोट दे रहे हैं? जो हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे को देखो बिजली फ्री करी है, पानी फ्री कर रहा है, जिसने भी जो भी हमारे समस्या हल करेगा, तो इसलिए वोट देना जरूरी है। क्या मुद्दे क्या है आप लोगों की तरफ? सर ये है कि भाई हमारा भारत विकास की तरफ जाए। हाँ। और जो अब तक फैसिलिटीज हुई है लेडीजों के लिए तो वो बनी रहे। अच्छा। और जो अभी हो रहा है हमारा लेडीजों के लिए हो रहा है फैसिलिटीज, तो वो बनी रहे और आगे भी और ज्यादा हो। अच्छा। हाँ जी। सुबह सुबह आप लोग एक साथ चली आई हैं, आप बता रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं आप लोग साथ जाते हैं? हम लोग शादी पार्टी कीर्तन फंक्शन जहाँ भी जाना हम अपने मदर लॉ के साथ जाते हैं। अच्छा आपकी मदर इन लॉ है? वो मेरी मदर लॉ है, इनकी मदर लॉ। अच्छा तो वोट भी साथ डालने चले आए कैसे? फिर अकेला हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर ही है और मम्मी अब आए हैं, तो हमें तो साथ में आना था। हम देख रहे हैं कि कई बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जागो। हाँ। सो के उठो और वोट डालने आओ, अपना वोट वेस्ट मत करो। अच्छा आप युवा भी हैं, तो क्या मुद्दे क्या है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या चीजें बदलनी चाहिए या क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? मुद्दा तो यही है, खैर हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही है, साफ सफाई बहुत है और लेडीज के लिए जो बसेस फ्री कर रखी है वो भी सब अच्छा ही है। बाकी अभी थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा जो मतलब थोड़ी बहुत गंदगी रहती है बाहर, इसे कूड़े का खत्ता हमारे वहाँ पे, वो थोड़ा साफ सफाई हो जाए उसकी, मतलब वो सुनते ही नहीं है थोड़ा बहुत। अच्छा। जब भी आता है तो बोलो तो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा तो ये सब मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप वोट कर रहे हैं, अब वो देखो साफ होंगे कि नहीं। तो ये तस्वीरें हैं कि एक मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, कोई सास हैं, कोई बहू हैं, सब एक साथ मिलकर चली आए, और साफ तौर पर ये कहना है कि वोट खराब नहीं होना चाहिए, और सभी लोगों को बाहर निकल के आए ने, जब इस 82 साल की उम्र की जो महिला है वो वोट देने सुबह सुबह पहुंच सकती हैं, तो बाकी जो खासकर युवाओं से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अपना वोट देने जरूर निकले, क्योंकि इस तरह इतना बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का, तो ऐसे में किसी को भी पीछे नहीं होना चाहिए, सबको अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।